हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम करने वाले हैं फेस्टिव ग्लैम मेकअप लुक, एंड वो भी है ड्राई स्किन पे कैसे करना है, केकी बेस को कैसे अवॉइड करना है, एंड अगर आपका फाउंडेशन फट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं तो वो कैसे अवॉइड करना है। आज के वीडियो में पूरा देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड मेकअप शुरू होता है तीन चीज़ों से, जो कि है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जिसको हम बोलते हैं CTM। तो क्लेंजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई भी फेस वॉश, बस आपका जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए। एंड उसके बाद हम करते हैं टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये प्लम का नाइसिनामाइड टोनर, एंड आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टोनर नहीं है इन केस, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो रोज़ वाटर। यस, रोज़ वाटर हर जगह अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है एंड अफोर्डेबल होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड मैं लगा रही हूँ प्लम का टोनर, एंड ये टोनर काफ़ी अच्छा है। एंड टोनर लगाना है आपको इस तरीके से डैब 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 करके, एंड टोनर लगाने के तुरंत बाद ही, इमीडिएटली बाद, मैं लगा लेती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। एंड जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना जो थिक हो कंसिस्टेंसी में, एंड क्रीमी ज़्यादा हो, एंड ऑयल फ्री ना हो। उस पर लिखा होना चाहिए कि ये मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री नहीं है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम यूज़ करते हैं फेशियल ऑयल, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है एंड विंटर्स में ऑयल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, एंड दूसरी बात ये आपकी स्किन को, मतलब जो फाउंडेशन है उसको भी फटने से बचाता है। एंड विंटर्स में मोस्टली सभी की स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो फिर आप ऑयल मत यूज़ करना, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो फिर आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने जो यूज़ किया है वो कपीवा का है, एंड आप किसी भी ब्रांड का कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। बस आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है, एंड ऑयल लगा के आपको 1 से 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि आपको करना है, तो अगर आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा ना तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो ये है कि आपको 2 मिनट अभी वेट करना। मुझे 2 मिनट्स हो चुके, अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मनीष मल्होत्रा का प्राइमर है, एंड आप कोई भी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो, और आप स्ट्रोक क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। एंड आपको प्राइमर इस डायरेक्शन में लगाना होता है कि आप उसको रिवर्स लेके ना आओ, अदरवाइज़ जो आपके पोर्स हैं वो वापस खुल जाएंगे। एंड आपको एक ही डायरेक्शन में जो प्राइमर है उसको अप्लाई करना है इस तरीके से, एंड अपने पूरे फेस पे अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लेना है। एंड बस प्राइमर लगा के फिर से 30 सेकेंड्स वेट करना है अगले स्टेप पे जाने के लिए। करेक्ट कैसे करना है? कलर करेक्ट करने के लिए आपको एक पैलेट लेना है जिसमें कि ज़्यादातर सभी शेड्स अवेलेबल हों। ऑरेंज एंड ग्रीन तो होना ज़रूरी ही है, एंड इसको आपको लगाना है इस तरीके से। जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना है, एंड जहाँ पे भी आपको पिंपल है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करेक्टर लगाना है। एंड आप इसको फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, और आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम की कमी है, क्योंकि हम जो मेकअप कर रहे हैं वो पार्टी मेकअप है, एंड बहुत जल्दी जल्दी करना है हमको, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। इससे कम टाइम में जल्दी ब्लेंडिंग हो जाती है। एंड आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। बट अभी आप देखोगे कि मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि ऐसा ही होता है मोस्टली। जब आप प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो फिनिश ब्यूटी ब्लेंडर से आती है वो किसी और चीज़ से नहीं आती है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना है अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हो। एंड अगर आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हो तो आप कम प्रोडक्ट लगा लेना, एंड इस तरीके से आपको अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। मैंने दोबारा लगाया है क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट था वो मोस्टली एब्जॉर्ब हो चुका था, एंड मुझे थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहिए है, इसीलिए मैं इसको डबल अप्लाई करेक्ट करने के बाद आपने ऐसा फाउंडेशन यूज़ करना है जो सीरम बेस्ड फाउंडेशन हो या फिर हाइड्रेटिंग फाउंडेशन हो। क्योंकि क्या होता है कि जो सम विंटर्स होते हैं ना, विंटर्स में हमारा मेकअप जो है ना, अगर हम मैट फाउंडेशन यूज़ करते हैं ना तो मेकअप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है एंड ड्राई हो जाता है एंड फट जाता है। तो ये स्टेप आपको याद रखना है कि आपको या तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ करना है या फिर सीरम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करना है। मैं अभी जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये MyGlamm का है, एंड ये MyGlamm का सीरम बेस्ड फाउंडेशन है एंड इसका जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो सनी है एंड ये थोड़ा सा डार्क है बट स्टिल ये मेरे स्किन टोन को अच्छे से सूट करता है। अगर आप चाहो तो एक शेड लाइटर ले लेना इससे। एंड इसको मैंने अपने अंडर आई सर्कल पे भी लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कर शेड है, तो इससे मेरा जो अंडर आइज है वो भी ईवन हो जाएगा एंड हमको एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं लगानी पड़ेगी। एंड जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज नहीं है, ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज ही फाउंडेशन है। इससे हमको सिर्फ एक सटल लुक मिलेगा एंड हमको फुल कवरेज नहीं मिलेगी। अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन देख रहे हो तो आप के ब्यूटी का के बाय कटरीना का जो फाउंडेशन है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, वो यूज़ कर सकते हो। उसकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो कि ये फुल कवरेज बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फुल कवरेज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पर ज़्यादा अनइवननेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा अनइवन है तो फिर आप वो वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना है, ब्रश या फिर फिंगर की हेल्प से ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो उसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को डैम करने के लिए। तो क्या होता है कि जब डैम ब्यूटी ब्लेंडर होता है तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी मिलता है, तो इसीलिए आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना। फाउंडेशन लगाने के बाद हमको लगाना है कंसीलर। एंड कंसीलर लगाने का तरीका ये है कि कम प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना है एंड आपको अपने जो वाटर लाइन है उससे थोड़ा सा दूर अप्लाई करना है एंड जो भी आपके हाई पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। एंड ये जो शेड है ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से ही है, क्योंकि हमने जो कलर करेक्ट किया था उसके बाद हमको अपने शेड का ही कंसीलर यूज़ करना होता है। अगर आप अपने शेड का कंसीलर यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा एंड आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया था फिर भी जो मेरा मेकअप है वो ग्रे ग्रे क्यों लग रहा है, वो इसलिए लगता है। एंड कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। जो कंसीलर आप यूज़ करोगे वो हाइड्रेटिंग होना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में हाइड्रेटिंग कंसीलर ही एकदम बेस्ट होता है एंड आपके अंडर आइज को हाइड्रेटेड रखता है, तो आपको हाइड्रेटिंग कंसीलर ही यूज़ करना है। एंड आपका जो कंसीलर है वो फुल कवरेज होना चाहिए ताकि वो आपके डार्क सर्कल को अच्छे से कवर कर सके एंड आपको एक अच्छा बेस मिल पाए। एंड अभी आप देख सकते हो कितने प्यार से कंसीलर ब्लेंड हो गया है, कवरेज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ट्राई करूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी क्रीम ब्लश। हाँ गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम ब्लश यूज़ करना है एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप जो पाउडर ब्लश है वो यूज़ करना। बट मोस्टली अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर ड्राई है तो आप क्रीम ब्लश ही यूज़ करना। एंड ब्लश को पहले आपको इस तरीके से डॉट्स बनाने हैं एंड उसको ब्लेंड करना है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो फिर आपको अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर अप्लाई करना है, बट अगर आपका फेस मेरी तरह है तो फिर आपको जो ब्लश है उसको अपने चीक बोन पे अप्लाई करना है इस तरीके से एंड उसको ब्लेंड करना। सेटिंग करने का सही टाइम है, हमने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं, तो अब मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। क्योंकि मैं लूज़ पाउडर से सेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो ग्लो है वो पूरा ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ अपना अंडर आई सेट करूँगी एंड अपना टी जोन सेट करूँगी। टी जोन क्या होता है? टी जोन ये होता है जहाँ पर भी आपने आपको ऑयल आता है ना, जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है वो सेट करना है। एंड अपनी स्माइल लाइन ये होती है, इसको सेट करना है। एंड मेकअप करने के लिए आप इस तरीके का पैलेट यूज़ कर सकते हो, इसमें से आपको एकदम लाइटर शेड लेना है जो कि ये है एंड इसको अप्लाई करना है आपको इस तरीके से, लेफ़्ट राइट सबसे ऊपर आपको लाइटेस्ट शेड अप्लाई करना है एंड लेफ़्ट राइट करके ब्लेंड करना है। मैं तो लेफ़्ट राइट ही करती रहती हूँ। एक शिमर आई शेडो जो कि है बहुत ही प्यारा सा शिमर, मेरी आउटफिट से मैच करता हुआ। ये बहुत ही इजी आई शेडो लुक है जो कि आप कभी भी कर सकते हो। आपने कभी काजल को एज अ लिप लाइनर यूज किया है? नहीं आना चाहती। टचेस टू द मेकअप। मैं ना ये ब्लश लगा रही हूँ, पाउडर ब्लश है ये बहुत ही सुंदर शेड है एंड इट लुक्स रियली गुड। आप देख ही सकते हो। सो गाइज, आवर पार्टी मेकअप इज़ डन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।